हेलो एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑन फोर व्हील्स यानी जिंदगी चार पहियों पे। तो आज मेरे सामने खड़ी है 2015 मॉडल वैगन आर LXi। वैसे इसमें आपको कुछ नहीं मिलता, ये भी आपको मैनुअली मिलते हैं, ये भी आपको सेंटर लॉकिंग बाहर से ना सेंटर लॉकिंग एक बार अनलॉक करना। तो भाई देखो इसमें आपको एयरबैग वगैरह कुछ नहीं मिलते, एकदम बेसिक गाड़ी मिल जाती है बट कंपनी फिटेड CNG और कंपनी फिटेड CNG का। आप देखो स्विचेस वगैरह की बहुत ही सही क्वालिटी आपको मिल जाती है। पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ भी आपको नहीं मिलता है। बाकी इस गाड़ी अभी तक कैसी है कैसी नहीं वो बात कर लेते हैं। ये पर्टिकुलर गाड़ी 1,45,000 चल चुकी है, तो अभी तक कैसी रही है वो उसके बारे में बात करने वाले। तो भाई मिलो हितेश भाई से, कैसे हो भाई? वैसे भाई का चैनल भी है, आपको अगर गाड़ी को बहुत ज्यादा शौक है, कोई गाड़ी लेना भी चाहते हो तो भाई का चैनल भी आप जाके देख सकते हो। एक बार चैनल का नाम बता दो भाई। हितेश शर्मा व्लॉग्स है। तो भाई वैगनआर अभी तक आपकी ओवरऑल कैसी चल रही है बताओ? वैगनआर में कोई इशू नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा बेहतरीन चल रही है। अब अगर आप कोई ऐसा ब्रांड देखना चाह रहे हो, पर्टिकुलर क्या होता है ना, कई बार लोगों का ट्रस्ट रहता है टोयोटा पे और कई बार रहता है भाई हुंडई वगैरह पे। और किसी की पहली गाड़ी होती है ना, तो पहली गाड़ी जो है मारुति रहती है। 90% लोगों की जितनी भी गाड़ी है पहली गाड़ी मारुति रहती है। भाई रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है कि एक तो चीप मेंटेनेंस है, बहुत कम मेंटेन हो जाती है। सर्विस कितने में हो जाती है? सर्विस लगा लो 2,500 में हो जाती है। कंपनी में नहीं, बाहर से हो जाती है। और कंपनी में भी हो जाती है, कंपनी में मतलब लगा लो मुश्किल से मुश्किल 2,500-3,000 रुपए के आसपास में हो जाती है। फिर तो ठीक है, मतलब जो लोग बताते हैं 5,000-6,000 में, वो तो फिर लग रहा है फिर फालतू की चीजें चेप देते होंगे वो। फालतू की चीजें दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, नहीं मैं तो सिर्फ सर्विस की बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कुछ पार्ट खराब हो गया, कोई ऐसी चीज हो गई जिसके एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते हैं, लेकिन जो मेन मेजर सर्विस होती है वो हो जाती है आराम से, मतलब 2,500-3,000 में हो जाती है, कम में हो जाती है। अच्छा, उस समय वैगन आ रही क्यों? मतलब वैसे तो ये सवाल बहुत ही बेतुका सा है। पहला जो पहली गाड़ी होती है लोग वैगनआर मारुति के प्रेफर करते हैं, बट उस समय फीगो भी आती थी आपकी, ये वैगनआर थी आपकी, ग्रैंड एटेनियोस, बहुत सारी गाड़ियाँ थी, तो आपने उस समय उन सब को छोड़ के ये क्यों ली? एक्चुअली क्या है कि उस टाइम पे मतलब मैं तो बहुत छोटा था, मेरे फादर साहब ने ली थी गाड़ी, तो मैंने उनसे यही चीज़ पूछा था कि पापा इसके अलावा आपने कोई और गाड़ी क्यों ली? तो वो कह रहे थे पहला तो बजट इशू था हमारा, मतलब बजट बहुत ज्यादा कम था उस टाइम, ये 4.5 लाख रुपए की गाड़ी थी ग्रीन CNG के साथ बेस वेरिएंट। अब तो आप क्रेटा ले चुके हो, क्रेटा भाई के पास क्रेटा S ऑप्शनल पेट्रोल मैनुअल है, टर्बो वाला नहीं है, नॉन टर्बो वाला है। उसकी भी वीडियो में जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, बट भाई बिजी आदमी है क्या करे, चलो कोई नहीं। तो उस टाइम क्या था, थोड़ा सा बजट इशू था और गाड़ी भी चाहिए थी, और मेरा जो एरिया था जिस एरिया में मैं रह रहा था पार्किंग बहुत ज्यादा टाइट थी भाई। ये तो बात है, वो मेरे इनोवा को बड़ी दिक्कत होती है, नजफगढ़ में भी दिक्कत है। अब नहीं, मेरा जो एरिया था पुराने वाला नजफगढ़ में ऐसा खास कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा अच्छा, तो बस वो थोड़ा सा एरिया में था। अब शिफ्ट हो गया तो अब क्या गाड़ी वगैरह मेरी आ जाती है आराम से। और दूसरी चीज क्या है कि मतलब थोड़ी सी ज्यादा रिलायबल है, अब देखोगे ना हालत कितनी खराब हो गई। हाँ, जंग वंग भी लगा हुआ है। अब क्या है ना मारुति तो खारा पानी आता है क्या आपके यहाँ? मेरे यहाँ खारा पानी की वजह से दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा, तभी हुई है ना। पहली मेरी कार थी, और पहली कार में मतलब ये होता है ना थोड़ा सा कि गाड़ी क्लीन रहनी चाहिए, कहीं भी जाए कोई पानी मारे कपड़ा मारे, तो उसके वजह से ज्यादातर ना इसका रनिंग बोर्ड खराब हो गया, और फिर यहाँ से फिर जंग वगैरह लगने लग गया। ये किसी रिक्शे वाले ने मार दिया था खराब, ये रिक्शा तो का तो क्या ही बोले, रिक्शा वालों का क्या ही करें। और फिर इधर एक ना आप देखो ना डोर तो हल्का सा बैंड है, यहाँ किसी i20 वाले ने डोर पे मार दी थी, उसका बम्पर सारा। तो बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी फिर भाई? बिल्ड क्वालिटी ना मेरे को ऐसा लगता है नई वाली वैगनआर की बहुत कम है। नहीं वो है इसके कंपेयर में तो है, कंपैरिजन में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ठीक है यार, ठीक है। नहीं इससे वैसे तो वैसे ज्यादा नहीं पता चलेगा, तो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए थे जो लोग बजा के देखते हैं ना भाई, मैं आपको बता दूं ये पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए ही फ्लेक्स दिया जाता है, ताकि जो फ्लेक्स रहना चाहिए इससे टकराओगे तो। नहीं तो सपोज करो मेरी ये गाड़ी भाई गलती से मेरे में इधर आके मार देते हैं, ठीक है, मतलब मेरे यहाँ पर लगेगी, तो भाई मेरे सर ना बोनट पे लगेगा भाई, हार्ड रहेगा ना तो मेरे सर पे चोट लग जाएगी, जिससे हो सकता है खून भी निकले, बट ये अगर फ्लेक्स रहेगा ना तो चोट कम से कम लगेगी। बाकी अभी पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा आपको इस गाड़ी की क्या अच्छी चीज लगती है? CNG। अच्छा CNG मतलब क्या, माइलेज? नहीं ये गाड़ी पता है माइलेज का तो चलो जैसा मर्जी है, वो तो अच्छी खासी निकल जाती है। मेन क्या है ना, इसमें पेट्रोल भी चलाते हो ना तो टॉर्क अच्छा खासा मिलता है। अच्छा, मतलब मजा नहीं आता उस हिसाब का चलाने में, पता नहीं क्यों, लेकिन जब CNG पे चलाते हो ना तो भाई साहब एकदम रॉकेट हो जाती है। अच्छा, और AC पे एक तो AC इतना चिल्ड कर रहा था अभी, मतलब मेरे साथ यहाँ। हाँ AC कैसा है? AC बड़ा जबरदस्त है इसका। अच्छा तो मतलब AC, हाँ मतलब वो कंडेंसर वगैरह साफ करा लेता क्या बता रहे हैं? वगैरह करवा दिया था लास्ट टाइम, कुछ ऐसा हो गया था, मतलब अभी तक कोई AC का काम नहीं हुआ है टचवुड, और
अभी बीच में बस क्लीनिंग वगैरह कर रहा था, तो क्लीनिंग वगैरह का ही था थोड़ा बहुत। अच्छा, और क्लीनिंग मतलब और ज्यादा जो है कूल करने लग गया, चिल्ड करने लग गया। और कोई इसका पॉजिटिव? पॉजिटिव एक तो स्पेसेस बहुत है। स्पेस एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, कंपेयर करते हो भाई, अभी तो थोड़ी सी गंदी है गाड़ी। कोई दिक्कत नहीं, वो तो वो मेरी ज्यादा गंदी है आपसे, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। होगा ना तो अच्छा खासा स्पेस भाई इसमें, मैं बहुत ज्यादा। हेडरूम देखो यार, हेडरूम बहुत बढ़िया, टॉल्वर वैगनर ऐसे ही नहीं बोला जाता हेडरूम। मतलब लगा लो मैं कितने सामान लेके जाता हूँ, मतलब बहुत सामान। ठीक है, टॉल्वर वैगनर का ये तो फायदा, हेडरूम भी नहीं लो फिर क्या टॉल्वर डिजाइन। टॉल्वर है फिर, ऊपर से फिर स्पेसियस अच्छा है इसमें, मतलब कंपेयर आप करते हो। बाकी एक बार अंदर चल के देखते कैसे, एक बार बैठो आप। तो कुछ ऐसा सा इंटीरियर है, मतलब जैसे कि एलेक्सा है तो इसमें आपको ये ऑफ्टर मार्केट वगैरह मिल जाता है। ये इसमें आपको टॉप वेरिएंट में समय वो मिलता था, इसके VXI में टैकोमीटर मिलता था इसके टॉप वेरिएंट। अच्छा फिर ठीक है। वही ये देखो, अभी तो ये ट्रिप मीटर दिखा रहा है मैं आपको, ये देखो अभी एग्जैक्ट रीडिंग ये 144,204। गाड़ी स्टार्ट करते हैं भाई, साउंड देखते हैं इसकी, न्यूट्रल है गाड़ी। स्टार्ट एक सेल्फ में होता थी, चेक इंजन लाइट क्यों आ रही है इसमें? चेक इंजन लाइट कुछ सेलेंसर वगैरह का काम किया था। अच्छा, तो अच्छा ऑक्सीजन सेंसर में कोई दिक्कत आ रही होगी। तो एसी वगैरह बढ़िया है, IRVM। अगे भाई हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं है? हाइट एडजस्टमेंट नहीं आती इस ओहो, चलो कोई टाइम ये था, ड्यूअल टोन आपको मिल जाता था, ऊपर स्पेस अच्छा खासा इसके अंदर मिल जाता था। इंटीरियर बढ़िया है इसका, इंटीरियर बढ़िया है। और दूसरी चीज, इसमें दो एयर बैग आते थे पहले, मतलब VXI वगैरह देखोगे ना, लेकिन इस वाले में नहीं आते वो, मतलब अगर आप एयर बैग, ये नॉन एयर बैग वाली गाड़ी है। एक बार थोड़ा सा चला के देखते हैं, CNG पे मैं पहले एक बार पेट्रोल पे स्विच कर लेता, तो भाई पेट्रोल पे हो गई, चला के थोड़ा सा देखते हैं। वही सीट बेल्ट लगा लेते हैं, आप भी लगा लो भाई। तो मैं आपको दिखा भी दूंगा साथ में, ये देखो वार्निंग हट गई है, मैंने भी लगा ली है, भाई भी ने भी लगा ली, चला के देखते हैं भाई। वैसे हालांकि मैंने चलाई है, बट एक बार वीडियो के लिए भी चला के देख लेते हैं। थोड़ी सी खरखर कर रही है शुरू में थोड़ा सा ना, वो एक्चुअली मेरे को लेती है, मेरे को डीजल की भी आदत है ना, वो एक वो भी रीजन है। बाकी भाई मारुति के इंजन की आवाज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, पिकअप ठीक है, मैं ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूँगा। अब मैं क्रिस्टा ड्राइव कर रहा हूँ तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सस्पेंशन बहुत बढ़िया मिलते हैं यार, ब्रेकिंग बहुत बेकार, मतलब अगर आप चाहोगे कि उस हिसाब की ब्रेकिंग हो जाए तो वो इम्पॉसिबल, बंद पड़ गई। एसी ऑन है ना, तो एसी की वजह से थोड़ा सा जोर लेती है गाड़ी। नहीं मेरे को वो भी है ना, उसकी क्या कहते हैं, डीजल की आदत। मैंने आज तक भाई, मैं आपको बताऊँ, मैंने आज तक पेट्रोल गाड़ी ली ही नहीं है, मतलब मैं सीखा ही डीजल गाड़ी पे हूँ, तो मेरे को दिक्कत आती है। लेकिन भाई वैसे पेट्रोल में तो ठीक लगी, इतनी जितनी मैं चला पाया, ट्रैक बहुत लंबा सा नहीं है। CNG पे शिफ्ट करते हैं एक बार, CNG पे मजा आएगा। अरे हाँ यार, CNG पे तो बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रही है, सही रिस्पॉन्स कर रही है। बाकी भाई ब्रेक इधर ही ले लेते हैं। बाकी भाई देखो, ये तो बात हो गई पॉजिटिव्स की, क्या क्या ओवरऑल गाड़ी कैसी लगी, रेटिंग कितनी दोगे? रेटिंग भाई मैं ऐसे ना, अगर आप कोई ऐसे यूजेस के लिए देख रहे हो कि मतलब यार सिटी यूजेस के लिए चाहिए, सस्ते में आप ए से बी ट्रेवल कर लो, ठीक है, ज्यादा खर्चा ना आए, तो भाई 10/10 है। और फिर ओवरऑल बात, ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो मतलब अगर हाईवे वगैरह देखते हो तो भाई हाईवे के लिए गाड़ी बनी नहीं है, ठीक है, बनी है मतलब चलाई है हम लोगों ने, लगा लो मेरा जो गांव है बिहार पड़ता है, तो बिहार मतलब लगा लो 1200 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा अच्छा, तो हम इसी से ही जाते थे, मतलब लगा लो 2 से 3 बार हम बिहार गए हैं और आए हैं, मतलब 2 से 3 हजार जो है एक ट्रिप में हमारी लग जाती थी, तो अच्छा खासा जो है इसमें मतलब एक्सपीरियंस रहा है, मतलब हम ट्रेवल करते थे बढ़िया, अच्छा लगता था। अभी वही है कि अब हाईवे इसी तरीके के बन गए हैं कि छोटी गाड़ियां सरवाइव नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि हाईवे पे 120 किलोमीटर होती है इनकी, 80 पे जो है थोड़ा सा डकमगाने लगते हैं, ब्रेकिंग भी देखिए उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप वैसे लॉन्ग ड्राइव डिस्टेंस के लिए देख रहे हो तो थोड़ी सी अच्छी गाड़ी, थोड़ी सी बड़ी गाड़ी। नहीं, ओवरऑल रेटिंग आप 10 में से? ओवरऑल रेटिंग में मैं यार 8 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। मतलब लाइट का थ्रो कैसा है इसका? जैसे इसमें आपको बाई फंक्शनल हैलोजन बल्ब्स मिलते हैं, जो कि जिनका थ्रो अच्छा नहीं लगता, कि मेरे पास फीगो थी, उतना अच्छा थ्रो नहीं था जितनी मेरी इनोवा का है, तो इसका थ्रो कैसा आपको मिल जाता है? इसका थ्रो अच्छा है, फॉग लैंप्स भी इसके अंदर आ गए हैं ना, तो फॉग लैंप्स अलग से ऐड होने के बाद जो है। नहीं, सिंपल बस सिर्फ हेडलाइट का भी अच्छा है, डिसेंट है, मतलब उतना बेटर नहीं कहूंगा, डिसेंट है। मतलब सामने से कोई हाई बीम पे गाड़ी आ रही तो आपको नहीं दिखेगा? अच्छा, और भाई ये फॉग लैंप ये फैक्ट्री फिटेड थे? नहीं ये लगवाए। अच्छा, बाहर से लगवाए। अच्छा अच्छा, कितने के पड़ गए थे उस समय? अच्छा 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 अच्छा, मतलब वो कम नहीं दूंगा। इसी बात पे इसके नेगेटिव एक दो हो जाए। नेगेटिव ये है, एक तो जो बॉडी है इसकी, बॉडी इतनी हल्की है, मतलब कहीं भी टच हो जाए हल्की सी कहीं भी तो डेंट आ जाता है, मतलब कोई ऐसी चीज हो जाए
तो डेंट आ जाएगा। इसके अलावा? उसके अलावा मतलब मुझे ऐसा कुछ खास लगता नहीं है, क्योंकि मतलब बिल्ड क्वालिटी है मेनली, बिल्ड क्वालिटी था। और दूसरी चीज, मैं सिटी में चलाता हूँ तो सिटी वाले चलाने में लोगों को कोई ऐसा बिल्ड क्वालिटी की कोई नीड होती नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं, फिर भी बाई चांस कोई हैवी व्हीकल मार दे तब तो भाई हो जाते हैं ना, हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिटी में अगर आप चला रहे हो दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हो, नोएडा जा रहे हो, उतना मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई मेन इशू है या मेजर कोई ऐसी चीज है। बाकी मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ और 9 साल हो गए मेरे को इस गाड़ी को लिए हुए, और मतलब 9 साल हो चुके हैं और अभी भी मेरा मन नहीं करता इस गाड़ी को बेचूं। और मैं, मेरा मतलब प्लान ये है इस गाड़ी के अंदर डेंटिंग पेंटिंग करा के फिर वापस नया करके और कुछ कस्टमाइजेशन करके फिर इसको चलाऊंगा। अभी तो इसकी लाइफ भी बहुत है, लेकिन वही है कि करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो देखो मेरा पहला व्हीकल है तो भाई मैं नेगेटिव कह सकता हूँ। नेगेटिव क्या कहूँ, एक तरह से अटैचमेंट है, एक तरह से। दूसरी चीज नेगेटिव कहूँ क्या इसमें, और क्या है भाई, मेरे को सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, डीजल पेट्रोल वाला कोई वो सीन ही नहीं है। सीएनजी भरवाता हूँ अपना, गुड़गांव घूम के आ जाऊंगा, नोएडा घूम के आ जाऊंगा एक सीएनजी में, 600 रुपए की सीएनजी में। अरे भाई, उसके बाद सर्विस वाला तो फिर कितने रुपए किलोमीटर के हिसाब से पड़ जाती है इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट? लगा लो मतलब 600 रुपए में फुल सीएनजी होती है, 7 किलो गैस आ जाती है इसमें, ठीक है। अब 7 किलो गैस में सिटी में 250 किलोमीटर चल जाती है, 1 रुपए से कम ही मानो। हाँ, तो भाई ये देखो यार, ये वैगन आर का फायदा है, ये चीज है। और मान लो पेट्रोल में भी आप चलाते हो ना भाई, पेट्रोल 30 लीटर का टैंक है, 3200 रुपए मेरे ख्याल से फुल हो जाती है। बाकी भी हेड वगैरह का कोई काम नहीं हुआ इसमें, जैसे काम नहीं हुआ, जैसे सीएनजी में हेड का काम आ जाता तो नहीं, नहीं, वो सब नहीं, इसकी कंपनी फिटेड है ना तो इसमें इशू नहीं आता। नहीं, फिर भी कंपनी फिटेड में मैंने देखा इशू आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। हमने टाइमली सर्विस वगैरह कराई है, टाइमली सारी चीज साफ वगैरह होती रहती है, तो उसमें कोई इतना वो नहीं रहता, ये चीजें है। बाकी भी बाहर चलते, गाड़ी बंद कर लेते, सीएनजी भी ज्यादा नहीं फूकते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बाकी भाई रेकमेंड करोगे किसी को? हाईली रेकमेंडेड है, नई वाली, नई वाली भी। अब देखो पुरानी तो मिलेगी नहीं, सेकंड हैंड अगर आप प्लान कर रहे हो तो भाई ले सकते हो, बस वही है कि गाड़ी के अंदर कोई इंजन का काम ना हुआ। अच्छा, कोई ऐसी चीज ना हुआ कि मतलब। बाकी 144,000 आप हैप्पी हो गाड़ी से? चलो चलो भाई, बढ़िया लगा। बाकी अगर आप में से भी किसी को ओनरशिप रिव्यू देना होगा तो यहाँ पर मैं मेल आईडी लिख देता हूँ, शायद इंस्टाग्राम की भी आईडी दे सकता हूँ, दे देता हूँ मैं आपको, आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे तो भाई मेरे को जानते हैं, तो भाई ने कहा ओनरशिप रिव्यू देना है, तो मैंने कहा भाई बिल्कुल आप आ सकते हो। बाकी आपको भी अपनी गाड़ी का शेयर करना है तो जीमेल पे या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।